सो हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द एनिमी न्यूज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो वाक्य में अमेजिंग होने वाली है गाइज। मैं बोल नहीं रहा हूँ, वाक्य में अमेजिंग होने वाली है गाइज, कसम से। क्योंकि गाइज, अगर आप सबको अगर आज की वीडियो अच्छी ना लगे तो बेसिक से गाइज डिसलाइक करके चले जाना। बट गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज आज की वीडियो हमारी होने वाली है फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस का पार्ट 4। और गाइज, ये हमारे चैप्टर 1 का एंड पार्ट है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा चैप्टर 2 में। हाँ गाइज, ये पार्ट बहुत ज्यादा इमोशनल और गाइज बहुत कुछ एडवेंचरस देखने को इसमें आप सबको मिलने वाला है। तो दोस्तों, प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब इस पार्ट को फील करके एंजॉय तो करोगे ही, और गाइस लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप सबको ये और भी अच्छा लग सके। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारी इस सीरीज के पार्ट 1 से लेकर 3 तक भी नहीं देखे हैं तो दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, जाके जल्द से जल्द देख लेना। चैनल पे न्यू है गाइस, प्लीज से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेट करके हमारे एनिमे फैन के हिस्सा बन जाना, जो कि गाइस बहुत ही बेहतरीन बात है। और हां गाइस, प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब कर ही लेना। तो दोस्तों, मिलता हूं एक इंट्रो के बाद। लेट्स बिगिन। ये सिर्फ नाम नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड। जैसा कि हम सबने पार्ट 3 के लास्ट में देखा था, सभी बहुत ज्यादा उदास होते हैं, बिल्कुल इमोशनल सीन हुआ था, क्योंकि किसी को मिस्सो का कोई पता नहीं चल रहा था। अब सबको लास्ट में ये लगने लगा था मिस्सो ने अपनी आत्महत्या कर ली है, मिस्सो नहीं रहा, मिस्सो मर चुका है। बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और बर्डमैन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। जो वादा बर्डमैन ने पाखों से किया था वो उसे पूरा नहीं कर सकते थे, बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। लास्ट में वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर लास्ट टाइम मिस्सो ने अपना रिचुअल कंप्लीट किया था। उस रिचुअल वाली जगह पर वहां के पुजारी बताते, ये लड़का यहाँ पर आया था, उसके पैर में चोट लगी थी और ऐसा था। तो बर्डमैन बोलते हैं कि हम उसकी विशेष पढ़ सकते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि वो विशेष कोई नहीं पढ़ सकता है। पाखों बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज हमें वो विशेष पढ़ने दीजिए, अगर आपने आज मुझे वो विशेष नहीं पढ़ने दी तो मिस्सो नहीं रहेगा, अब मिस्सो का पता नहीं चला पाएंगे, मैं उस बिना नहीं रह सकती हूँ। आगे पुजारी बोलते हैं, ऐसा वो तुम्हारा क्या लगता है, मतलब तुम उसके लिए इतनी क्यों रो रही हो। बर्डमैन बताते हैं, ये उसकी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है, ये उस बिना नहीं रह सकती और ऐसा है। तो वहां के पुजारी मान जाते हैं और बोलते हैं सिर्फ ये लड़की विशेष पढ़ेगी। बर्डमैन भी मान जाते हैं, ओके ठीक है, ये पढ़ेगी, पाखों पढ़ेगी। तो पाखों जैसे ही वो विशेष पढ़ने के लिए जाती है, उन विशेष को देख के उसका दिल बिल्कुल बैठ जाता है कि मिस्सो अब नहीं रहा, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जो कि उसके दिल को बिल्कुल तोड़ के रख देती है, उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है, बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मिस्सो चला गया है, मिस्सो वापिस नहीं आएगा और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। बहुत ज्यादा रो रही होती है, काश मिस्सो तुम ना जाते, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम चले गए। वहां पर बेहोश होके पड़ जाती है, वहां पर दूर से देख रहे थे बर्डमैन। बर्डमैन ये देखते हैं कि वो बेहोश होके पड़ गई है, तो तभी वहां पर भागे आते हैं, उसको अपनी गोदी में उठाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ पागो तुम्हें, उठो पागो उठो, उसे उठाते हैं और वो थोड़ी देर बाद उठ जाती है। तो उसे पूछते हैं क्या हुआ पागो, पागो रोने लग जाती है बर्डमैन के गले लगकर और बोलती है कि बर्डमैन मिस्सो नहीं रहा, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, बर्डमैन प्लीज गन निकालिए, मुझे भी मार दीजिए प्लीज बर्डमैन, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं अपने आप को इतना समझदार सोचती थी, मैंने इतनी डांट मारी है मिस्सो के ऊपर, ओ क्या बताऊ, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मिस्सो तुम चले गए, बर्डमैन प्लीज मुझे मार दीजिए। बर्डमैन बोलते हैं, अरे पागो चुप रहो, तुम ना समझो, तुम बच्ची हो अभी, चुप रहो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मिस्सो हमें मिल जाएगा। तो पागो बोलती है, झूठी तसल्ली मत दीजिए बर्डमैन, मुझे पता है वो नहीं बचेगा। तो बर्डमैन बोलते हैं, ऐसा क्या लिखा था उनकी विशेष में जो तुम ये सब बोल रही हो। तो पागो बोलती है, आप ही पढ़ लीजिए, मैं नहीं बता पाऊंगी। तो बर्डमैन जैसे ही वो विशेष पढ़ते हैं, बर्डमैन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखी हुई कुछ ऐसी बात थी, वो बहुत ज्यादा इमोशनल विशेष थी और बहुत ज्यादा इमोशनल थी। तो बर्डमैन जैसे ही वो पढ़ते हैं, वहां पर पैन बॉबी भी आ जाते हैं, वो भी सुनते हैं। तो नंबर 1 पर लिखा था कि जो भी नुकसान उसका मिस सुमेरे का हुआ है परमैन की वजह से, जो भी फिल्म का ऑफर गया है उससे दुगना अच्छा ऑफर आए, जो भी नुकसान हुआ है उससे अच्छी भरपाई हो जाए और वो हमेशा खुश रहे, उन्हें कभी भी कोई भी दुख ना हो और बहुत ज्यादा खुश रहे। दूसरे पे ये लिखा था
पैन बॉबी, मैंने तुमको भी बहुत ज्यादा तंग किया है भगवान जी। पैन और बॉबी को भी बहुत ज्यादा खुशियाँ देना, उनको एक बहुत बड़ा परमैन बनाना, बहुत अच्छा परमैन बनाना। बर्डमैन उनसे हमेशा खुश रहे और उन्हें नई नई चीजें देते रहे। तीसरे पे जो लिखा था वो पार्कों के बारे में था और बहुत ज्यादा बड़ा था। गाइस मैं अभी आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा, पर मेन में लाइन बता देता हूँ। उसमें ये लिखा था कि पागो तुम हमेशा खुश रहो और मैंने सपना देखा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, पर मुझे जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हमेशा तुम्हें दुख ही देता हूँ और कभी मैंने तुम्हें खुशियाँ नहीं दी है। और तुम तो मुझे बहुत ज्यादा चाहती थी, पर हमेशा मैं तुम्हें दुख देता हूँ, तो इस वजह से मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है पागो। और ये मैं सच बताता हूँ, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता था तुमसे, बट अब मुझे जाना होगा पाको, तो मुझे जाने दो। और इसका अर्थ मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, और तुम अपने आप को दुख मत देना क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि तुम्हें खुशियाँ मिले, तुम्हारी खुशियों के लिए। अगर तुम अब भी खुश नहीं होगी तो मरने के बाद भी खुश नहीं रहेगी मेरी आत्मा। हाँ मैं मरने जा रहा हूँ, बाय बाय पाको। और जो लास्ट में लिखा था वो बर्डमैन के लिए था। बर्डमैन आप हमेशा पागो को खुशियाँ देना, उसे रुलाना मत प्लीज बर्डमैन। और बर्डमैन आप भी हमेशा खुश रहना, मैंने आपको भी बहुत ज्यादा नाराज किया है बहुत बार, उसके लिए प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर देना। और हो सका तो अगले जन्म में मैं आपसे भी दोबारा मिलूंगा और मुझसे भी अच्छे अच्छे परमैन आप बनाना। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपने मुझे इतने अच्छे काम के लिए जो चुना और बहुत कुछ लिखा हुआ था। गाइस क्या बताऊँ, ये सब पढ़ने के बाद बर्डमैन बिल्कुल टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। और जो लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई थी, ये लिखा हुआ था कि मेरे जाने के बाद कोई भी ये मत समझना कि मैं उसकी गलती की वजह से गया हूँ, नहीं मैं अपनी मर्जी से गया हूँ। और मेरा एक सपना था कि हम सभी परमैन हमेशा एक साथ रहेंगे, जिसको मैं खुद तोड़ रहा हूँ, मुझे इसके लिए प्लीज माफ कर देना। बट जो प्यान बोबी और पाग है उन सबको हमेशा खुशियाँ देना और एक साथ रहना तुम सब, और हमेशा एक साथ रहना भगवान जी, इनको बहुत ज्यादा खुशियाँ देना, बर्डमैन को भी और सभी को, और मेरी फैमिली को भी। और मेरे रोबोट को इतनी शक्ति देना वो मेरी फैमिली को हमेशा खुश रख सके, और किसी को भी मेरी वजह से अब जो भी दुख हुआ है उन्हें उससे डबल खुशियाँ देना। और पागो तुम हमेशा खुश रहना, ऐसा वैसा लिखा हुआ था। ये बात पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं बर्डमैन, और ये बात बर्डमैन जोर जोर से बोल के पढ़ रहे थे, तो प्यान और बॉबी भी ये बात सुन लेते हैं और वो बहुत ज्यादा जोर से रोने लग जाते हैं। और साथ ही साथ पागो तो बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल नीचे मुंह करके उदास और बहुत ज्यादा रो रही थी। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख सकती हो बिल्कुल ऐसा रो रही थी। बर्डमैन बोलते हैं चलो अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। वहाँ के पुजारी बोलते हैं क्या हुआ, मैंने तुमको मना किया था तुम नहीं पढ़ोगे। तो बर्डमैन बोलते हैं कि ऐसा हो गया था। वो वहाँ के पुजारी बोलते हैं क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो बर्डमैन बोलते हैं नहीं आप क्या मदद करेंगे अब वो नहीं रहा। तो वहाँ के पुजारी बोलते हैं हुआ क्या, तो वो सारी बात बताते हैं। तो वहाँ के पुजारी बोलते हैं मैं उस लड़के के लिए प्रार्थना जरूर करूँगा कि वो सही सलामत हो। बर्डमैन थोड़ा सा खुश होते हैं और बोलते हैं थैंक्स इसके लिए, बट बहुत जोर से सब रो रहे होते हैं। पागो ने तो हिम्मत ही हार दी थी, उसको पता चल गया था कि अब मिसो नहीं रहा, मिसो मर गया है। तो ये बात बोलते वक्त भी पागो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पागो देखो सभी परमैन अब मिसो नहीं रहा, इसकी चलना इसको किसी और को तो लेनी होगी, चलो हम मिसो के रोबोट के पास चलते हैं, पहले मिसो के रोबोट को भी सारी बात बतानी होगी। तो प्यान बोलता है शायद पागो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तुमसे पहले भी बहुत ज्यादा। बर्डमैन बोलते हैं हाँ पागो तुम घर पर जाओ। तो पागो बोलती है नहीं मेरी गलती थी, तो वो मुझसे गुस्सा होना जायज है उसका, तो मैं जाऊंगी। तो पागो बहुत ज्यादा जिद करती है, वो वहाँ पर चली जाती है और सभी बर्डमैन से लेके सभी परमैन वहाँ पर जाते हैं मिसो के घर पर। बर्डमैन को देख के मिसो का रोबोट ये सोचता है शायद परमैन मिल गया है, और बर्डमैन के पास आके उनके गले मिलके बोलता है कि मिसो का कुछ पता नहीं चल रहा, बर्डमैन मिल गया क्या मिसो। तो मिसो के रोबोट से बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं देखो रोबोट तुम मुझे पता है उसको अपने भाई से भी बढ़कर मानते थे, बट वो नहीं रहा, आज उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये बात सुनने के बाद उसकी आँख बिल्कुल लाल हो जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। क्या कह रहे हो बर्डमैन आप क्या कह रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो, नहीं हो सकता ऐसा, मिसो को कुछ नहीं हुआ, मिसो को कुछ हो ही नहीं सकता, अपना सर
वो जोर से भीत को पटकने लग जाता है। भाग हो जाती है कि रोबोट नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पागो को धक्का मारता है, उसे मारने के लिए आता है तो गलती से पागो का जो हार्ट होता है उसकी नाक पर लग जाता है, वो रोबोट बन जाता है। और रोबोट जैसे ही फिर से एक रोबोट बन जाता है। ये सब चीजें देखने के बाद वहां पर सब हैरान होते हैं, सबके मुंह बिल्कुल खुले रहते हैं, सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि पागो ने ये क्या कर दिया। बर्डमैन बोलते हैं कि पागो तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है, हुआ कि अब मिस्सो भी नहीं रहा, उसका रोबोट भी रोबोट बन चुका है, अब हम उसकी फैमिली को क्या जवाब देंगे। ये बात सुनने के बाद पागो को ये लग रहा था कि अब ये भी मेरी गलती है, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं थी। मिस्सो का रोबोट उसे मारने के लिए आ रहा था, उसको हाथ उसका गलती से लगा था। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, बोलती है सब कुछ मेरी गलती की वजह से होता है, आगे भी मैं गलतियां ही करूंगी, मुझे मर जाना चाहिए। वो मरने तक को तैयार हो जाती है, वो बोल रही होती है बर्डमैन प्लीज मेरी भी इच्छा आएगा, मुझे मार दीजिए। बर्डमैन बोलते हैं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम मरने की क्यों बात कर रही हो, तुम रो मत। तो बर्डमैन उसे पागो बोलती है कि अब हमें मिस्रो के पेरेंट्स को सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा, हम क्या जवाब देंगे उनसे, उनसे क्या बोलेंगे कि मिस्रो नहीं रहा। बर्डमैन बोलते हैं देखो इसका एक इलाज है, हम एक काम कर सकते हैं जिससे मिस्रो के पेरेंट्स को कुछ पता ना चले, बट वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो तभी पागो बोलती है आप मुझे बताइए वो काम क्या है, मैं उसे ज़रूर करूँगी, ये काम करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो तभी बर्डमैन बोलते हैं इसके लिए तुम सब में से किसी एक को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी। ये बात सुनने के बाद पागो बोलती है मैं तो अपनी जान भी दे सकती हूँ, लाइफ सेक्रीफाइस करनी है तो बहुत छोटी सी बात है, बताइए मुझे क्या करना होगा। बर्डमैन बोलते हैं मैं तुम में से किसी एक को मिस्सो बना सकता हूँ, मतलब मिस्सो जैसी शक्ल दे सकता हूँ, तो तुम्हें मिस्सो बन के अपनी लाइफ गुजारनी होगी, तुम अब परमैन नहीं रहोगी, मतलब कि पागो नहीं रहोगी, तुम अब मिस्सो बन जाओगी, समझी, तुम एक परमैन मतलब परमैन बन जाओगी, पागो नहीं रहोगी, और जो तुम्हारी रियल लाइफ है वो तुम्हारी रियल रोबोट संभालेगी, उसको मैं जाके समझा दूंगा सब कुछ। पागो मान जाती है। बर्डमैन की ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो पैन और वो भी थे उनकी आँख बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है, मुँह खुला का खुला रह जाता है, और जो पागो थी उसका मुँह नीचे था और बिल्कुल रो रही थी, आंसू निकल के नीचे पड़ रहे थे। वो ऊपर मुंह करके बोलती है बर्डमैन मैं तैयार हूँ, मुझे बना दीजिए मिस्सो, क्योंकि जब कुछ मेरी वजह से हुआ अब मैं उनके पेरेंट्स को खुशियाँ तो दे ही सकती हूँ ना, उसकी फैमिली को खुशी तो रह ही सकती हूँ, ये मेरी अब ड्यूटी है, मुझे बनाइए मिस्सो। वो मिस्सो बना देती है, एक गन निकालते हैं उससे मतलब पागो पर फायर करते हैं, और वो पागो बिल्कुल मिस्सो बन जाती है, मिस्सो बन चुकी थी। बर्डमैन बोलते हैं अब मैं तुम्हारे रोबोट को जाके सब कुछ बता दूंगा कि ये हुआ है, और अब तुम्हारे रोबोट तुम्हारी पर्सनल लाइफ जिएगा, उससे मैं सब कुछ समझा दूंगा, वो ज़्यादा नहीं रोएगा, ठीक है पागो। वो बोलती है ठीक है बर्डमैन बाय। वहाँ से पैन और वो भी चले जाते हैं। अब गाइस तो दोस्तों चलो वापिस से अपने प्रेजेंट में चलते हैं, वापिस से 3 साल बाद, जहाँ मिस्सो अपने कमरे में बैठ के उसके जन्मदिन वाले दिन वो ये सब सोच रहा था। सॉरी गाइस मिस्सो नहीं पागो, वो सॉरी गाइस मैंने शुरू में भी मिस्सो बोल दिया था बट वो पागो थी। तो दोस्तों पागो रो रही थी, मतलब पागो बोलू या मिस्सो, अब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, तो गाइस हम पागो ही बोलते हैं, रो रही थी, बोलती थी कि मिस्सो अब तुम जहाँ पर भी हो और मुझे अगर सुन पा रहे हो तो मैंने तुम्हारी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, और मुझे तुम्हारी याद इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा आई, बट आज कुछ ज़्यादा ही आ रही है, आज मुझे ये फील हो रहा है कि तुम मेरे आसपास ही हो। इन 3 सालों में मुझे कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ, बट आज कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत जल्द तुम मिलने वाले हो। कहाँ हो मिस्सो तुम, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो वापिस आ जाओ, मुझे आज भी लगता है कि तुम जिंदा हो, बट कहाँ हो। जा भी दूं, मैं गवाह मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूं छोड़ दूं। ये था हमारा पार्ट 4 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा मतलब पार्ट 5 वो आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 2 में, और गाइस नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, और गाइस मुझे पता है कि आप सबको ये पार्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जल्दी से जाओ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताओ आप सबको ये कैसा लगा, और हाँ गाइस अगर अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए प्लीज माफ कर देना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज से प्लीज लाइक कर देना। और गाइस मुझे पता है आज की मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ी लो आ रही होगी या वॉइस अच्छी
समझ नहीं आ रही होगी, प्लीज उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि गाइज मेरे स्कूल खुले हुए और गाइज ये थोड़ा वॉइस ओवर जल्दी जल्दी में भी किया हुआ, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। बट गाइज स्टोरी आप सबको ये कैसी लगी ये जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जाके बताना। और गाइज नेक्स्ट चैप्टर अमेजिंग होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो पे लाइक हम रखते हैं, हम पहली बार 400 लाइक्स, तो गाइज प्लीज से प्लीज 400 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए केप लविंग के स्पॉटिंग।